Hey guys, this is Pankaj and welcome back to my YouTube channel Pankaj Vlogs. अगर आपके बटुए में सिर्फ 5000 रुपए हैं और आप उत्तराखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं उत्तराखंड के ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय रूप से सुंदर गांव और शहर जहां प्राकृतिक सुंदरता के अलावा बहुत कुछ है। यह राज्य दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है जो यात्रियों को भारत के कुछ सबसे आकर्षक स्थलों के लिए शानदार अवसर प्रदान करता है और आप सिर्फ 5000 रुपए में यहाँ घूम सकते हैं। लैंसडाउन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। लैंसडाउन उन लोगों के लिए एकदम सही है जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से दूर समय बिताना पसंद करते हैं। यहाँ कई रोचक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, चाहे वह साहसिक हो या आध्यात्मिक। यहाँ से केदारनाथ पर्वत और चौकुंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए टिफिन टॉप जाया जा सकता है। यहाँ से बर्फीली चोटियों का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैले पर्वत और उनके बीच छोटे छोटे कई गांव आसानी से देखे जा सकते हैं। इनके पीछे से उगते सूरज का नजारा अद्भुत प्रतीत होता है। साफ मौसम में तो बर्फ से ढके पहाड़ों की लंबी श्रृंखला देखने के लिए मिलती है। पास ही में 100 साल से ज्यादा पुराना सेंट मैरी चर्च भी है। यहाँ की भुल्ला ताल बहुत प्रसिद्ध है। शाम को सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा संतोषी माता मंदिर से दिखता है। यह मंदिर लैंसडाउन की ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। वैसे यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ताड़केश्वर मंदिर भी है। यह भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। यह पूरा इलाका खूबसूरत होने के साथ साथ शांत भी है। यदि आप आध्यात्म के इच्छुक हैं तो एक संपूर्ण धार्मिक अवकाश के लिए हरिद्वार से बेहतर कोई जगह नहीं है, वह भी बजट के तहत। हर की पौड़ी और मनसा देवी मंदिर से यह स्थान कुछ अविश्वसनीय और प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा आप हरिद्वार के घाटों पर भी हर सुबह और शाम होने वाली भव्य गंगा आरती का भी आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ चंडी देवी मंदिर, राजा जी नेशनल पार्क, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, स्वामी विवेकानंद पार्क आदि बहुत से स्थानों पर विजिट कर सकते हैं। विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश लंबे समय से दुनिया भर से साहसिक साधकों और शांति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। यह जगह जिपलाइनिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का केंद्र है। सिर्फ 5000 रुपए में इस भव्य और सुंदर शहर का पता लगाने और आनंद लेने के लिए पर्याप्त है। मसूरी उत्तर भारत में सबसे अधिक बार आने वाला हिल स्टेशनों में से एक है जो देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड का यह सुंदर और मनमोहक हिल स्टेशन प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। अगर आपके बटुए में 5000 रुपए हैं तो आप आसानी से यहां आकर अच्छा समय बिता सकते हैं। देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बजट यात्रियों के लिए बहुत कुछ है। यह शहर पुरानी दुनिया के आकर्षण और आधुनिक सेवाओं का एक आदर्श मिश्रण है। भारतीय वन अनुसंधान, टपकेश्वर मंदिर, माइंड्रोलिक मठ और रोबर्स केव देहरादून के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। कोई भी इस बजट में आसानी से शहर को एक्सप्लोर कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।